ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें आज इसका जो टाइटल है वो है इंटरफेस डिज़ाइन इवेल्युएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है कि दिस प्रोजेक्ट इज वर्थ 25% ऑफ द टोटल कोर्स मार्किंग। अच्छा, यहाँ बेशक 25% है लेकिन जो आपका 100% है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बेस कर रहा है, चाहे आपके क्विज हो, आपके असाइनमेंट्स हो, मिड टर्म का एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, तमाम का तमाम इस इंटरफेस डिज़ाइन इवेल्यूएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बेस कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके ये जो प्रोजेक्ट है अगर मुकम्मल तौर पर सही बनाते हैं आप इसको, तो आपके जो मार्क्स मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप ले सकते हैं। तैयब बाकी लोग मोहल्ले के वो भी बुला लो ताकि हम सारों को लेक्चर दे सकूं। मोहल्ले में जितने भी लोग हैं वो सारों को बुला लो, ठीक है। हम इसमें करेंगे क्या, अब ये देखिए इसके अंदर हमने करना क्या है कि हमने इसमें एक वेबसाइट होगी जो आपको साइन कर दी जाएगी। मैंने आपके सीआरजीएस से कहा था कि आप ग्रुप बना लें और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आवाज का बड़ा ज्यादा इशू आ रहा है मेरी तरफ से, मुझे तो आपकी तरफ से इशू आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं आपके इर्द-गिर्द और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये कि ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। इसको आप बार बार सुन सकते हैं ताकि आपको मालूम हो जाए कि हमने करना क्या, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मुकम्मल आवाज़ आए, लेकिन अगर नहीं आ रही तो आई एम सॉरी, लेकिन यह है कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। मैंने आपके सीआर से कहा था और डीआर से भी कहा था कि मुझे ग्रुप बना कर दे दें 2 या 3 लोगों का, ठीक है। और उसके बाद वेबसाइट जो हैं वो बैंक्स की हो जाएँ, न्यूज़पेपर्स की हो जाएँ, टीवी चैनल्स की हो जाएँ और इस तरह की जो हैं उनकी एक लिस्ट बना कर मुझे दे दें, फिर मैं आप लोगों को वेबसाइट असाइन कर दूँ। तक मुझे मिली नहीं है, ठीक है। तो जितना डिले होगा उतने ही आपके काम में हर्ज होगा। चले, तो पहला क्या गोल होगा इसका कि हम क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे, ठीक है जी। आपको जो वेबसाइट असाइन की जाएगी आपने उसका क्रिटिकल उसका एक तनकीदी जायजा लेना है, उसमें से वो चीज़ें निकालनी है आपने जो उसकी खामियाँ हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक मिनट सर, यूनिवर्सिटी को चाहिए कि तमाम लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग भी शेयर किया करें, लास्ट सेमेस्टर भी हमें यही इशू रहता था। आपका नाम सिर्फ मेरे पास, अच्छा जी 136, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। मैंने जब भी पढ़ाया है सेमेस्टर वालों को भी, उनके भी लेक्चर मैंने दिए थे रिकॉर्ड करके और इसके भी लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। जो पहली हमारी क्लास हुई थी उसका लेक्चर रिकॉर्ड इसलिए नहीं हुआ था कि वो सिर्फ हेलो आए थे, हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, समझ रहे थे हम किस तरह के। आज वाला लेक्चर जो है इसके अंदर सिर्फ हम कोर्स वर्क ओवर प्रोजेक्ट ओवर रिव्यू होगा, ठीक है। और उसकी रिकॉर्डिंग आपको रिकॉर्डिंग के फौरन बाद ही, यानी कि मेरी चूँकि इसके बाद भी क्लास है तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको उसके घबराने की जरूरत नहीं है, इसके सारे लेक्चर जो है रिकॉर्ड होंगे और सारे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इशू कोई नहीं है। तो जो आपको वेबसाइट दी जाएगी उसका आपने तनकीदी तौर पर जायजा लेना है, उसके इंटरफेस डिज़ाइन का जो आपके सामने दी जाएगी। और जब उसका आप तनकीदी जायजा ले लेंगे तो फिर आप उसको रीडिज़ाइन करेंगे, उसके इंटरफेस को आप रीडिज़ाइन करेंगे, उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको हम दोबारा इवेल्यूएट करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर करनी है, यानी कि पहले आपने उसका क्रिटिकल जायजा लेना है आपने, फिर उसके जो आप तनकीदी जायजा लेंगे उसके बेस पे आपने इंटरफेस को रीडिज़ाइन करना है, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि उसको वेबसाइट बनाएंगे और फिर आप उसको इवेल्यूएट करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप बेशक लिखते रहिए, अगर आप बीच में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए। चलें, इसके 4 हिस्से होंगे, इस प्रोजेक्ट के 4 हिस्से हैं जो कि वक्तन आपको इसकी डेडलाइन जो है आपको इसकी जमा करानी होगी, मुझसे डेडलाइन वो आपको सारी मिल जाएंगी। क्योंकि मैं इसको स्लो इसलिए रखा हुआ मैंने इसको कि क्योंकि लोग जो हैं सारे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यूँ समझे कि कल जो है वो थोड़ा सा हम हेलो आए करेंगे और उसके बाद आपको इसकी जो मार्किंग स्कीमा है वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है, कल के लेक्चर के अंदर। चलें तो जी, आ गया इसका पहला पार्ट, बहुत आसान पहला पार्ट है कि आपने वेबसाइट को
इवेल्यूएट करना, सिंपल से। आप क्या जैसे यूएसकेटी की वेबसाइट, आप यूएसकेटी की वेबसाइट पर गए और आपने देखा जी फला फला चीज़ें जो हैं हमें इवेल्यूएट किया आपने एक ले मैन के तौर पर, एक ऐसा बंदा जिसके पास एक आम आदमी जो एक जब वेबसाइट पर चेक करता है और कोई चीज़ तलाश करता है या कोई इसको देखता है तो क्या आपको वाकई मिल रही है, क्या उसी तरीके से मिल रही है, या कितनी जल्दी मिल रही है या कितनी देर से मिल रही है, क्या मुश्किल आते हैं, वो आपने इसको देखनी है। तो ये आपका एक हो जाएगा इवेल्यूएट, इवेल्यूशन हो जाएगी आपकी एक ले मैन के तौर पर। फिर आपको जो वेबसाइट की इवेल्यूएशन है उसके लिए आपको सामने दो ऑप्शन दिए जाएंगे। दो ऑप्शन से मुराद ये है कि वो चार चार पॉइंट्स होंगे, उन फोर पॉइंट्स का सेट होगा, दो सेट होंगे, उनमें से आप किसी भी सेट को लेकर आप उसको वेबसाइट को इवेल्यूएट करेंगे। अच्छा, एक आउटलाइन दे दिया गया, अच्छा जी देखें क्या वेबसाइट के अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ है तो किस हद तक है। जब आप ये वाला भी काम कर लेंगे तो फिर आपको हिरोस्टिक वैल्यूएशन जो कि 10 पॉइंट्स हैं बताए जाएंगे। वो एक ऑफिशियल यानी कि एक जो HCI का खास मेथड है वेबसाइट को इवेल्यूएट करने का, उसे कहते हैं नेल्सन हिरोस्टिक वैल्यूएशन। तो आपको उन 10 पॉइंट्स को, जरूरी नहीं कि वो 10 के 10 पॉइंट्स ही आपकी वेबसाइट पे अप्लाई हो सकते हों, हो सकता है 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो ऐसा नहीं है उसके अंदर, तो वो आपने उसके ऊपर कर दिए। ठीक है जी, तो ये आपका अच्छा, वो आपने कैसे करने हैं सारे काम, वो आपको सारे बताए जाएंगे, सिर्फ आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आज। तो पार्ट वन का जो है आपका ये इस तरह से पार्ट वन आपका मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम शुरू होगा पार्ट टू। अच्छा, इसमें है टास्क एनालिसिस, ये काम को, एक टास्क होता है उसको हम कैसे एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ने डिग्री लेनी है FSC की या BPS की या BS की, तो आप क्या करते हैं कि आप पहले दाखिला लेते हैं, प्रोसेस है, फिर आप उसके अंदर सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 करते हैं, उसके अंदर कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज के अंदर आप जाकर उसको मजीद डिटेल में अपडेट करते हैं, आपका वो वन बाय वन आपका बनना शुरू होता है। तो इसको आपने एक टेक्स्चुअल फॉर्म में लिखना है, राइटिंग के फॉर्म में लिखना है आपको। और दूसरा इसको लिखने का तरीका होगा आपका हायरार्की में। हायरार्की क्या होती है, जैसे फर्ज कर लेंगे आपका दादा का नाम है, फिर आपके उनके बेटों का नाम आ गया, बेटियों का नाम आ गया, फिर आपके अब्बू का नाम आ गया, फिर आपके बहन भाइयों का नाम आ गया, तो हायरार्की बन जाती है, जैसे पी शेप भी कह सकते हैं आप उसको, तो वो आपने उसको बनानी है। तो ये किसकी बनेगी, ये बनेगी जो आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जिसपे आपने क्रिटिकल इवैल्यूएशन करनी है। तो फिर आप जो आपने उसमें चूंकि खामियां निकाली हुई हैं बहुत सारी और आप चाहते हैं कि उसको वेबसाइट को एक बेहतर अंदाज में लाया जाए, तो आप एक पर पोस्ट टास्क एनालिसिस बनाएंगे। ठीक है, या जिसमें आप ये बताएंगे कि अच्छा जी इस वेबसाइट का जो हायरार्की है या इसका जो साइट मैप है वो इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से आपका पार्ट टू जो है वो मुकम्मल तौर पर बन जाएगा। ठीक है, पार्ट थ्री के अंदर आपने करना क्या है कि आपने उसको उसी काम को आपने डिज़ाइन करना है पेपर के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं ये कहता हूँ कि जी आपने जो आपकी जो आपने जो डिज़ाइन किया है, जैसे USKT की वेबसाइट है, मैं आपसे कहूँ कि जो आपको नज़र आ रहा है इसको आप वेबसाइट पे आप पेपर पे बना के दिखाएं, तो उसे हम कहते हैं पेपर डिज़ाइनिंग या पेपर प्रोटोटाइप कहते हैं उसको, वो हम करेंगे। उसके बाद अब आप बनाएंगे वेबसाइट। वेबसाइट के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको HTML आता है उसमें बना लें, अगर नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने पावर पॉइंट पे कैसे बना ली है, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि आपको कौन कौन से टूल आते हैं, यहाँ हमने देखने हैं कि आपको जो डिज़ाइनिंग की है वो आपने किस तरह से बेहतर अंदाज में की। फिर आप अपनी जो वेबसाइट आपने बनाई होगी वो आप अपने किसी साथी को या अपने किसी अपोनेंट को देंगे और वो उसकी हिस्टिक इवेल्यूएशन करेगा। ठीक है, और आप किसी और की करेंगे, यानी कि ए बी की कर रहा होगा हिस्ट्री की वैल्यूएशन और बी ए की कर रहा होगा या बी सी की कर रहा होगा, वो इस पर कुछ डिपेंड नहीं करता। नुमान एक मिनट ठहर जाए, मैं चौथा पार्ट कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट थ्री आपका कंप्लीट हो जाएगा कि आपने पेपर पेपर बनाना है, फिर आपने उसकी वेबसाइट बनानी है, फिर आपने इवेल्यूएशन करानी है अपने किसी अपोनेंट के साथ। अच्छा, जब आपकी इवेल्यूएशन हो जाएगी तो ज़ाहिर अल्टीमेटली वो उस पर कोई ना कोई उसमें खामियां निकालेंगे या उसमें से पॉइंट निकालेंगे। पार्ट फोर के अंदर आपने क्या करना है, या तो उनके पॉइंट एक्सेप्ट कर लेने हैं, अगर एक्सेप्ट कर लेने हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप जस्टिफाई करेंगे कि उनके पॉइंट आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने अपनी ही बनाई हुई वेबसाइट के ऊपर तनकीद करनी है। तो ये चार पॉइंट हैं, इस पर जो सवाल आपके जहन में आते हैं वो Thank you.
बैठ चुस्के के पिए हैं आप। अच्छा जी, अब एक सवाल आया, सर हम किस तरह वेबसाइट की प्रॉब्लम फाइंड करेंगे जबकि वो एक्सपर्ट पर्सन ने बनाई हो, ये जबकि हम तो अभी बिगिनर हैं। बहुत अच्छा सवाल है नुमान, आप फिक्र ना करें, आप गलतियां निकाल लेंगे। ठीक है, हमने यूएसकेटी की वेबसाइट पे काम किया था, बताएं जरा मुझे। मैंने एक सेक्शन कराया, शायद आपको नहीं कराया, कराया मैंने आपको। ओ जालिमो बोलो तो सही। हेलो, हमें नहीं, आपने करवाया? नहीं करवाया, अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। आप यूएसकेटी की वेबसाइट खोलें और उसमें से मुझे इंग्लिश के एचओडी का ईमेल एड्रेस बताएं जरा। क्या नाम बता दें मुझे, क्या है इंग्लिश के एचओडी का नाम बता दें। चले, सारे खोले हैं, इंग्लिश के, इंग्लिश का एचओडी का नाम बता दें, फिजिक्स के एचओडी का नाम बता दें मुझे, इस्लामिक स्टडी का, कोई भी एचओडी का नाम बता दें मुझे। हाँ जी, वेबसाइट खुल रही है आपके पास, ये पहले ये बता दें या नहीं। यार नाम लिखा हुआ वहां पे या सिर्फ आपको मालूम था, ये बता दें मुझे। जिन्होंने मैडम सुमेरा का नाम लिखा है या मैडम समीन का नाम लिखा है, उन्होंने कैसे तलाश किया जरा बताएं मुझे। सबसे पहले फैकल्टी में गए हैं, उधर से जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके नाम देखे हैं, तो उधर ही लिखा हुआ था मैम समीन का नाम, मैडम का नाम लिखा हुआ था। अच्छा, और क्या क्या डिटेल दी हुई वहाँ पे, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल दी हुई है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उनके बारे में कुछ बताया हुआ है या सिर्फ नाम लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ? सर वो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है और ये बताया गया है कि वो पीएचडी हैं और एचओडी हैं, ये बताया गया है। नंबर नहीं दिया गया, नंबर नहीं दिया हुआ, फोन नंबर नहीं दिया हुआ, लेकिन उन्होंने वो सारी चीजें दी हुई है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ आप ये कह रहे हैं। चले, आप क्या समझते हैं कि उनका वहां पे नंबर होना चाहिए था? मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिशियल नंबर की बात कर रहा हूँ। ऑफिशियल नंबर उनका वहां पे होना चाहिए था, ये कह रहा नहीं लिखा हुआ, ये कौन कह रहा नहीं लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ 278, क्या नहीं लिखा हुआ, फोन नंबर नहीं लिखा हुआ। तो अगर अगर फर्ज कर लें एक बंदा रब्ता करना चाहता है उनसे और पूछना चाहता है कि जी मैंने एडमिशन दिलाना है अपने बच्चे को, ठीक है आप बताएं मैं कराऊं ना कराऊं, तो वो ईमेल करेगा और इंतज़ार करेगा, या अगर सरकारी नंबर दे दिया जाए वहां पर और उनकी एक्सटेंशन दे दी जाए फिर से क्या होगा? ठीक है, ठीक है ना, अब आपने खामी निकाल ली। ये अभी एक दो सवाल हैं, मैं उसको ही सामने रखते हुए मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। तमाम लेक्चर की रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा जवाब है नुमान का, उन्होंने कहा कि जी हम किस तरह वेबसाइट की प्रॉब्लम फाइंड कर सकते हैं कि जिन्होंने बनाई है वो एक्सपर्ट है। बिल्कुल सही है, जिन्होंने बनाई वो एक्सपर्ट हैं, इशू ये है कि उन्होंने एसईओ नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी निकाल लें, कोई भी वेबसाइट निकाल लें, कोई भी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ मैं, आप को ये कोर्स करने के बाद, ये एसईओ पढ़ने के बाद आप उसमें से ऐसी ऐसी गलतियाँ निकालेंगे आप हैरान हो जाएंगे। मैंने कहा था ना आपसे कि आप इसको करने के बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग के हवाले से, तो वो आपको कर लेंगे। अच्छा, अपनी ही वेबसाइट पे तनकीद करनी है, बिल्कुल अपनी ही वेबसाइट पे तनकीद करनी है, जो कि यकीनन बड़ा मुश्किल काम होता है। ज़ाहिर है कि जब हमने बनाई है तो हम समझते हैं कि जी इससे बेहतर वेबसाइट कोई नहीं है, और जो दुनिया की वेबसाइट बनी हुई है वो लोग बनाने वाले भी यही समझ रहे हैं,
तनकीद से मुराद ये होगी कि आप किस तरह से उसको वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे कुछ तनकीद आई है, किसी अपोनेंट ने आपकी जिन्होंने यूनिवर्सिटी की वैलिडेशन की उसने कुछ उस पर तनकीद की है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो आप उस पर कोई ना कोई तनकीद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा लेक्चर आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, फिर जैसे ये आएंगे तो फिर हम उसको बाकायदा जो है ना क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं, ठीक है। चले, ये वो चीज़ें हैं, अगर HTML भी बना लें या पावर पॉइंट पर बना लें, ठीक है जी, ये आपकी मर्जी है। और पावर पॉइंट पर मैं थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है, और उसकी वजह मैं आपको उस वक्त बताऊँगा जब मैं आपकी हेल्प करूँगा कि मैं पावर पॉइंट में क्यों कर रहा हूँ। चलें, ये आपकी असेसमेंट होगी, ठीक है। अभी आप देख लें आप असेसमेंट के अंदर क्या है कि जो आपने जो पार्ट वन था वेबसाइट इवेल्यूशन करनी है आपने, हिस्ट्री की वैल्यूशन, टास्क एनालिसिस, पोस्ट टास्क एनालिसिस, आपकी जो वेबसाइट किसी और बंदे ने इवेल्यूएट की है वो किस तरह से इवेल्यूएट की है और आपने किस तरह से इवेल्यूएट की है, और योर क्रिटिक ऑफ योर ओन वेबसाइट आप देख लें कि खासतौर पर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम करेंगे इसके अंदर, और इसके अंदर हमने ये नहीं देखना कि आपको कौन कौन से टूल आते हैं, हमने ये देखना है कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आप रीडिज़ाइन कर रहे हैं, वो किस हद तक आप क्लियर हैं और किस अच्छे अंदाज से आप पेश कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर है जो आप रीडिज़ाइन करेंगे, क्या वो अब पहले से बेहतर है, जैसे अभी कहा ना कि अभी उसमें उन्होंने ईमेल दी हुई है लेकिन फ़ोन नंबर नहीं दिया, लेकिन अगर उसके अंदर आप ऑफिशियल ईमेल जो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का ईमेल एड्रेस है और जो फ़ोन नंबर है अगर आप दे देते हैं तो वो उससे बेहतर हो गई, ठीक है। तो तनकीद क्या हुई कि जिसे फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ, बेहतरी क्या हुई, रीडिज़ाइनिंग क्या हुई कि आपने उस पर फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, ये इसका मार्किंग स्कीमा है, फिर वही बात इसके अंदर मैं बार बार आई आ रही है कि द फोकस ऑफ मार्किंग इज ऑन द प्रोसेस, द करेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द मेथड्स, नॉट ऑन द एंड प्रोडक्ट। हमें इससे गर्ज नहीं है कि आप वेबसाइट कैसे बनाते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके अंदर जो प्रोसेस इस्तेमाल किए गए हैं वो आपने किस किस तरह से किए गए। अच्छा, यहाँ मैंने इसका 25 पॉइंट्स का दिया है मैंने, लेकिन मैं यहाँ फिर दोहरा दूँ आपके लिए, आपके तमाम असाइनमेंट इस प्रोजेक्ट पे बेस कर रहे हैं, आपके जो क्विजेज हैं वो इस प्रोजेक्ट पे बेस कर रहे हैं, आपका मिड टर्म अगर होता है, अगर हालात वैसे ही रहते हैं ऑनलाइन वाले तो मिड टर्म शायद ना हो, पहले नहीं हुआ था वो भी इसी पे बेस कर रहा होगा, नहीं बेस कर रहा होगा तो जाहिर है कि मार्किंग आपकी डबल हो जाएगी। जो फाइनल पेपर है वो इसी तरह से इसी में से ही आएगा, प्रोजेक्ट में से आएगा। क्या वजह है इसकी आने की कि ये तमाम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, उन कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर आपसे कहा जाएगा कि आपने किस तरह से आपने एग्जाम देना है। तो यूँ समझे कि ये पूरा कोर्स 100% जो है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, ये पूरा कोर्स जो है ये बेस कर रहा है आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर, आपके कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर होते हैं और किस तरह से आप कर सकते हैं। ये इसका एक फेजेज जो कि 4 फेजेज हैं, तो आप देख लें कि 16वें फेज के अंदर या 15वें फेज के अंदर इसकी प्रेजेंटेशन होनी है, तो आप किस तरह से इसको लेके चलेंगे, किस तरह से करेंगे, वो आपको कर देना चाहिए। पहला वीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे आपकी ग्रुपिंग की लिस्ट मिल जाती है और वेबसाइट के नाम मिल जाते हैं तो मैं आपको असाइन कर दूंगा, और अगर असाइन नहीं मिलते तो अपना टाइम सेव कीजिए और किसी भी वेबसाइट पर जाके उसको तनकीदी निगाह से देखें और देखेंगे इसमें क्या क्या खामियाँ आती हैं, क्या क्या खामियाँ उसके अंदर है वो हम कर लेंगे। अच्छा सर, वैसे डेवलपर इन इश्यूज पर फोकस नहीं करते, वेबसाइट वैसे भी क्लाइंट के मुताबिक होती है, ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एक लेक्चर भी इस चीज़ के ऊपर है, ठीक है जी। एक बड़ा इसके अंदर फेमस जुमला है, व्हाट यूजर नीड्स एंड व्हाट यूजर वांट। यूज़र को नहीं मालूम कि उसकी नीड क्या है और यूज़र को नहीं मालूम उसे चाहिए क्या है, ठीक है, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे गाइड करें। और जो पेपर प्रोटोटाइप है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, हम फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले पेपर प्रोटोटाइप बनाएंगे, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये भी आपका। फिर हमने अपनी वेबसाइट के टॉपिक खुद बताना है, नहीं, मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि आपने अपनी वेबसाइट का टॉपिक खुद नहीं बताना। मैंने आपके CRGR से कहा है कि मुझे एक लिस्ट बनाकर दें जिसमें तमाम बैंक के नाम हो, जैसे UPL, HPL हो, मुझे एक लिस्ट बनाएं, उसके अंदर ऐड हो जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, TV स्टेशन की जो वेबसाइट्स हैं जिसमें एंटरटेनमेंट वाली हैं, न्यूज़ वाली हैं, न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं, वो मुझे लिखकर दे दें
तो मैं आप तमाम लोगों को असाइन कर दूँ, ठीक है। जैसे ही असाइन होगा तो फिर आपका काम शुरू हो जाएगा, और ग्रुप आपने बनाना है दो या तीन लोगों का, ठीक है जी। अब बताइए जी, पूछे सवाल जी। वेबसाइट मैं साइन करूंगा जी, और पूछिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग जो है पहले के मुकाबले में, जो पहली क्लास हुई है उसके मुकाबले में ज्यादा अच्छी हुई है, तो मैं लगता है कि शायद यही शेयर करूंगा आप तमाम लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जरा क्वेश्चन थोड़े से और आ जाए इसके अंदर, ठीक है। शुरू में जो क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, ठीक है, तो वो जरा और जरा आ जाए, ठीक है। देख लें, मैं इसको जरा पॉज कर रहा हूँ ताकि जी। एक सवाल आया है कि सर हम एक वेबसाइट रीडिजाइन करेंगे और उस पे फिर हम तनकीद भी हम ही करेंगे जी, उसकी वजह क्या है? आपने बना दी वेबसाइट, बना दी, और वेबसाइट बनाने के बाद आप अपने ओपोनेंट को देंगे जिसमें वो आपके काम के ऊपर तनकीद करेंगे, ठीक है जी। आपने अब उस तनकीद के ऊपर क्या करना है, या तो इसको एक्सेप्ट कर लेना है, या आपने डिफेंड करना है कि नहीं जी हमने सही बनाया हुआ है। सेल्फ क्रिटिक के ऊपर तनकीद होती है, और हम खुद भी अपने ऊपर तनकीद कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने ऊपर तनकीद करें तो क्या आप तनकीद नहीं कर सकते अपने ऊपर? तो वो हो जाती है, उसकी फिक्र ना करें, वो सारा तरीका आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलें, और उसके बाद आया है कि हम सिर्फ इसमें वेबसाइट को रीडिजाइन करेंगे, खुद से अलग नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं, आपने रीडिजाइन कैसे करना है कि जाहिर है कि आपने उसमें खामियां निकाली ना, पार्ट वन जो है आपका, ठीक है, उसके अंदर आपने उसमें से जो इवेल्युएट करना है उसको क्रिटिकल अंदाजा तनकीदी जायजा लेंगे आप उन वेबसाइट्स का जो आपको बताई जाएगी। तो जाहिर है कि फिर जब आपने कहा अच्छा जी इसके अंदर ये खामी है, तो आप उसको रीडिजाइन भी करेंगे आपको उस तरीके से, तो वो हम उसको बताएंगे। क्या सर, क्या गूगल वेबसाइट जैसी कंपनीज की वेबसाइट में भी डिजाइनिंग इशू हो सकते हैं? चलें, मैं आपको गूगल की एग्जांपल देता हूँ। गूगल आज से 5 साल पहले कुछ चीज़ें दे रहा होता था, आजकल 4-5 चीज़ें आ रही होती हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पर जाके देखें गूगल के, तो वो जो आपकी ईमेल है उसमें 9 डॉट आ रहे होते हैं, ठीक है, उसको क्लिक कीजिए। वो जितनी चीज़ें वहाँ लिखी हुई अक्सर चीज़ें पहले वो फ्रंट पे दे रहा होता था, तो ग्रेजुअली वो लेकर आया उसको वहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट ने एक वर्जन निकाला था शायद 7 या 6 में, याद नहीं है, उसके अंदर से वो बटन देना भूल गया था एक, और उसके बाद उसने दोबारा कराई, ठीक है। ये यूज़र की वजह से होते हैं, जब आप यूज़र को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे, तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं, और ऐसा नहीं कि ना आए, वो होती हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन का मकसद क्या है, हमें इवैल्यूएशन करके हासिल कर सकते हैं मीन इस सब्जेक्ट में से क्या हमें हासिल होगा, काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिएगा सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, हम इसके है ना, हमने जो पहला लेक्चर अगर आपने शायद सुना हो, वो जाहिर है कि हम वो हमने पूछा था कभी ह्यूमन देखा है, कभी कंप्यूटर देखा है, इस तरह की चीज़ें थी, तो हम उसको प्रॉपरली कल नहीं तो अगले हफ्ते हम जरूर देखेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, हमें इवैल्यूएशन का मकसद क्या है, इवैल्यूएशन हम किसी चीज़ को क्यों करते हैं? आप मुझे ये बताइए कि जब आप पढ़ते हैं तो एंड ऑफ द सेमेस्टर हम आपको इवैल्यूएट करते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि जो पूरी क्लास के अंदर एक तरह का ही लेक्चर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों के ए ग्रेड आ गए, कुछ के डी ग्रेड आ गए, कुछ फेल हो गए। इवैल्यूएशन का मकसद ये होता है कि जो चीज़ बनाई गई है या जो चीज़ पढ़ाई गई है आपको, आपने वो किस हद तक उसको ऑब्जर्व किया, किस हद तक आपने डाइजेस्ट किया है, और उस वजह उस केस पे हम उसको इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आइडिया हमने देख लिया था कि ह्यूमन के अंदर, लेकिन जो वर्ड आगे जाके हम उसको और देख लेंगे। सर, हम फ्रंट एंड को हैंडल करेंगे या बैक एंड पे? जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आप सिर्फ उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। सर, इसमें जो फंक्शनैलिटी भी मिस हो सकती है जो पहले नहीं थी जी, अगर आप समझते हैं कि फंक्शनैलिटी इसमें कमी है और हम इसको बढ़ा सकते हैं तो आप ज़रूर बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। सर, क्या ऑटोमेटिक टूल और सॉफ्टवेयर हैं जो खुद से वेबसाइट की डिज़ाइन इवैल्यूएट कर देंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, वो हम अभी उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उसको इस्तेमाल ना करने की वजह यह है कि जब हम प्रोटोटाइप वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा उसके अंदर से कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है, किस वजह से हम उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो आएगा सेक्शन, मैं कहा शायद मिड के बाद है, प्रोटोटाइप पढ़ेंगे हम, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि क्या बचा है। आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है,
लेकिन ये है कि हम यहाँ पे हम फिजिकली हम देखना चाह रहे हैं। सर आप हमें कोई वेबसाइट रीडिजाइन करके दिखाएंगे? अच्छा, वो उसका जो है वो रीडिजाइन करके आपको कुछ सैंपल तो मैं दे सकता हूँ मैं, क्योंकि जब हम आपको बताया जा रहा होगा कि आपने ये करना है तो उसकी कुछ एग्जाम्पल आ रही होगी। ठीक है, वेबसाइट रीडिजाइन कैसे करनी है उसका आपको प्रोसेस दिया जा रहा है। ठीक है, उस प्रोसेस को जब आपके सामने बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और उसकी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी तो अल्टीमेटली आप उसको रीडिजाइन कर सकते हैं। जी सर, तो फ्रंट एंड में हम HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप को यूज करके डिजाइन कर सकते हैं। आप जो मर्जी इस्तेमाल करें टूल, हमने ये नहीं देखना कि आपको कौन कौन से टूल आते हैं, हमने ये देखना है कि आपने उसको जो प्रोसेस है ये देखें। ई असेसमेंट जो होगी इस स्लाइड के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं इसके बेस पर होगी। इसमें देखा जाएगा आपने जो डिज़ाइन जो स्ट्रक्चर्स बनाया हुआ है वो किस तरह से बनाया है, जो आपने रीडिजाइनिंग किया किस तरह से बनाई है। अब ये नहीं देखेंगे आपकी कमांड कितनी आती है। फर्ज कर लेंगे किसी को टूल्स नहीं आते वेबसाइट डिज़ाइन के, लेकिन कुछ को बहुत अच्छे आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको अच्छे आते हैं हम उसको नंबर ज़्यादा देंगे, नहीं। मुझे इससे गर्ज नहीं है कि आप वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं, मुझे इससे गर्ज है कि जो आपने रीडिजाइनिंग की है वो पहले की निस्बत किस तरह से बेहतर है और किस तरह से आपने प्रेजेंट की है। ठीक है सर, असाइनमेंट भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड होंगे? बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट है इसको हमने 4 असाइनमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसलिए मैंने कहा ना कि ये 100% जो है ये जो कोर्स है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बेस कर रहा है। ठीक है, तो वही है इसके अंदर वो इसका सिलसिला है। जी, और कोई सवाल? जल्दी जल्दी सवाल करें, हमारे पास 8 मिनट रह गए, आप दोबारा लॉग इन हो जाएंगे, वो इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सवाल आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं। सर एक मेरा सवाल है कि अगर हम फ्रंट एंड को ही बस हैंडल करेंगे तो अगर हमने देखना हो कि ये मतलब 100 की कैपेसिटी के बंदा लॉग इन हो रहा है, वेबसाइट की 100 कैपेसिटी है, अगर 110 हो जाए तो वो वेबसाइट बैठ जाएगी, तो नहीं, नहीं, वो, भी हम इसको एवैल्यूएट करेंगे? नहीं, 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 वो इतना वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इतनी डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि एक थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है ये। ठीक है ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा आप लोगों के लिए, आप उसको हैंडल नहीं कर सकते अगर हम इस तरह की चीज़ें देखना शुरू कर दें। ठीक है ना, जैसे बात दफा ही होता है कि कोई जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है तो क्रिकेट इन्फो की वेबसाइट पे अगर पता लगा सारी पाकिस्तान की दुनिया की टीमें खेल रही हैं और सारे लोग बैठ जाएँ देखने के लिए, तो उसमें तक वो बैठ जाए तो क्या वो हैंडल कर सकेगी इतने लोगों को? उस चीज़ आएगी। हमने इस वक्त देखना फ्रंट एंड के अंदर जो मालूम दी जा रही हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर, क्या वो वेबसाइट मुकम्मल हैं, अच्छे तरीके से बयान की गई हैं, शॉर्टेस्ट वे में बयान की गई है। ऐसा तो नहीं है कि बंदा 10 दफ़ा क्लिक करता है फिर जाकर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अभी हम इसको पढ़ा है ही, वो जो पॉइंट्स हैं वो देखे जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये है जी, अब बताएं। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आया जी, सर आपने कहा कि पावर पॉइंट में बनानी है तो वेबसाइट के हर पेज को जिसमें इशू है उसको पावर पॉइंट में डिज़ाइन करना है। जी, जब आप इसको रीडिज़ाइन करेंगे तो फर्ज कर लें कि उसके 10 टैब थे, आपने उसके जो 3 के ऊपर आपने कोई डिजाइनिंग नहीं करनी, तो होगा क्या कि जब मैं उसको क्लिक करूंगा तो एक पेज भी जाऊंगा और वहां पे लिखा होगा कि जी नो चेंजिंग, लेकिन जो बाकी आपने चेंज किए हैं वो आपने उसके पूरा बनाना होगा उसके अंदर से। लेकिन वो जब हम पावर पॉइंट पे आएंगे तो और डिटेल के साथ आपको बता दिया जाएगा। सर हमने बस हमने यूजर इंटरफेस को बेहतर से बेहतर करना है पहले की निस्बत, जो पहले अवेलेबल उससे बेहतर करना है। अच्छा जी, सर अगर वेबसाइट पर SSL सिक्योरिटी ना हो तो क्या ये भी इवैल्यूएशन में आ जाएगा? ये जो 10 पॉइंट बताए जाएंगे ना आपको, ये वहाँ पे आपका मसला हल होगा, ये वहाँ पे उस जगह 10 पॉइंट जो बताए जाएंगे रिस्ट्रिक्ट इवैल्यूएशन के, वो आपको वहाँ पे वो चीज़ें हल की जाएंगी। ठीक है, अच्छा सर अगर वेबसाइट पर, अच्छा वो हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है जी, और बताइए। और कोई सवाल करने वाला है? जहीन बच्चा, मुझे लग रहा है कि अभी तक जो इससे पहले लेक्चर हुआ था उसके मुकाबले में इस लेक्चर के अंदर बहुत सारे सवाल आए हैं, तो हो सकता है कि मैं यही वाला जो है वो अपलोड करूँ। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के लिए यूँ समझे कि आप नंबर ज़्यादा ले गए हैं इस मामले में, क्वेश्चन करने के मामले में, और ज़्यादा क्वेश्चन आपके वो थे जो कि उससे रिलेट कर रहे थे। जी, और पूछें जी।
अच्छा जी, एक और सवाल आया जनाब सर, क्या हम पूरी की पूरी वेबसाइट डिजाइन करेंगे या जहां इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है सिर्फ वही डिजाइन करेंगे? अच्छा, लॉजिकली हम देखते तो पूरी वेबसाइट ही है, ठीक है, राइट, लेकिन जो चीज आपको जहां खामी है, जहां आपने इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, उसको हम सिर्फ बनाते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना है उनके साथ जिस पे आपने इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आनी, ठीक है, तो क्या करना है वो हम बाद में बता दूंगा आपको मैं, क्योंकि अभी आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जितनी आप खामियां निकालेंगे, जितनी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी, वो ज़्यादा बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी अच्छा जी वेबसाइट है, इसमें कोई खामी नहीं है और ये वेबसाइट बहुत अच्छी बनी है, तो जब मैं आपका ये जवाब पढ़ूंगा तो अल्टीमेटली मैं खुद उस वेबसाइट पर जाऊँगा, जाके देखूंगा कि क्या वजह है, कितनी अच्छी वेबसाइट क्यों है, और अगर मैं वहाँ से कोई खामी निकाल लेता हूँ तो आपकी मार्किंग कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह जी बताइए, और लेकिन हम किसी वेबसाइट एडिट तो नहीं कर सकते, तो हम क्या सारी वेबसाइट दोबारा बनाएंगे चेंज करके? जी आपने खुद डिजाइन करना है उसको, पहले पेपर पे करना है, फिर उसको अपने अपने उसको बनाना है, चाहे HTML पे चाहे पावर पॉइंट। जी हाँ, जी वो भी आपको बता दिया जाएगा कि जब हम वेबसाइट पे बताएंगे आएंगे पावर पॉइंट के ऊपर, तो वो भी आपको तरीका बता दिया जाएगा कि आपने वो कैसे करना है। हम सिर्फ रीडिजाइनिंग करेंगे, हमारा ताल्लुक रीडिजाइनिंग के ऊपर है। जो वेबसाइट बनानी है वो आप या तो पहले पढ़ चुके होंगे या आप समझे नहीं मालूम क्या है। यही वजह है कि जब मैं कहता हूँ कि पावर पॉइंट भी बनाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको नहीं भी आता कोई टूल इस्तेमाल करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि टूल कितनी अहमियत नहीं है जितनी इस चीज़ की अहमियत है कि आपने रीडिजाइन कितनी बेहतर की है। जी आप एडोब फोटोशॉप पे करें, किसी पे भी करें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। मुझे इस चीज़ से गर्ज है कि आपने जो रीडिजाइनिंग की है वो कितनी बेहतर है पहले की नहीं। और ये सामने जो आपके सामने असेसमेंट वाली स्लाइड आ रही है, ठीक है, ये सारी आपको मिल भी जाएगी रिकॉर्डिंग, तो आप इसको बार बार सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा मैं एक ही चीज़ बार बार आपको दोहरा रहा हूँ। टूल से ज़्यादा इस बात की अहमियत है कि आपने कितनी अच्छी रीडिजाइनिंग की है, कितनी बेहतर की है पहले की। तो CRGR है, मैं उनसे फिर कह रहा हूँ कि मुझे लिस्ट ग्रुप की लिस्ट बना दें। ग्रुप कितने का होना चाहिए? जी इसका जो आपने डिजाइन किया है 136, मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा इसकी। अच्छा, मेरा ख्याल है ऐसा है कि हम मैक्सिमम पर चले जाते हैं, कम से कम जो है वो मेंबर जितने मर्जी हो जाएं, ठीक है, मैक्सिमम 4 का ग्रुप कर लें आपको, ठीक है। अच्छा जी सर, उसका इंटरफेस ही डिजाइन करना है, उसकी फंक्शनैलिटी भी, अगर हम HTML पे करते हैं तो क्या पेजेस पेज तो लाइक पेजेस कनेक्शन, पेज कनेक्शन आपके HTML पे भी उस पर पावर पॉइंट पे भी हो सकते हैं, वो इतना इशू नहीं है, ठीक है, वो इतना इशू नहीं है, ठीक है। हमने इसकी डिजाइनिंग के ऊपर हमने ज़्यादा देखना है, बजाय हमने जैसे इंसान होता है तो हमने ये देखना है उसका चेहरा कैसा, हमने ये नहीं देखना कि उसकी हड्डियाँ 206 हैं या नहीं। जी हमारे पास एक मिनट रह गया, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा लॉग इन हो जाऊंगा इसके ऊपर, अगर आपके पास और मजीद क्वेश्चन हैं, ठीक है, और अगर नहीं क्वेश्चन है तो हम उसको कर लेते हैं। और अब नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे पावर पॉइंट पे नेविगेशन आपको सिखाई जाएगी, अगर आप नहीं जानते तो हम सिखा दी जाएगी। अच्छा जी अली अहमदा कह रहे हैं सब क्लियर हो गया, वाजी वाह। अच्छा अभी क्या सवाल किया था जिन्होंने अभी बात की है, मैं पढ़ रहा था सुन नहीं सका, क्या कहा आपने? मैंने कहा सर अभी बस इतना ही बहुत है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कर लेंगे। तो थक गए सर, बस प्रोजेक्ट ही बनाना है पूरे सेमेस्टर में। जी जो भी पढ़ाया जाएगा आपको वो प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा होगा, ठीक है जी। लेस देन एक मिनट है, किसी वक्त भी रब्ता टूट सकता है।
ठीक है, और मैं यही अपलोड करूंगा इस वाली को, ठीक है। ठीक है जी, खुश रहें, कल मिलते हैं दोबारा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।